नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों आज जो मैं टर्म प्रेजेंट करने वाला हूँ ना, तो ये जनरल साइंस का एक कम्प्लीट कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका जो है कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रेजेंट करूँगा, जो कि पहले थीरी होगा, फिर उन्हीं पे बेस्ड होंगे एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ये जो पूरा जो सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे एक मोटिवेशन के लिए, और उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। ये पूरा जो टर्म है केमिस्ट्री का आज मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, अमरीश यादव मेरा नाम है, इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ले लेते हैं, रोज हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स के जो है कि कुछ आपको डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि खोज करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बात कर लें, कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात कर लें। तो देखिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, एटॉमिक प्रिंसिपल किसने दिया है, तो जॉन डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, रेगुलर हम रिवीजन करेंगे और इसको हम रेगुलर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक किसने दिया है, तो मोस्ले ने दिया है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, तो मैक्स प्लैंक ने दिया है। इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है, हेनरी बैकुरेल ने करी है। इसी तरह आपका रेडियम पूछा जाता है, तो मैडम क्यूरी ने करी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया है, तो वो आइंस्टीन ने दिया है। इसी तरह आपको इनसे संबंधित एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत पूछा जाता है, तो वो भी किसने दिया है, तो वो भी आइंस्टीन ने दिया, जिसमें E=MC² बताया। आवर सारणी की बात करें दोस्तों, तो द्विवित्री मेंडलीव, ध्यान रखिएगा सिर्फ आवर सारणी पूछा जाएगा, तो आपको मेंडलीव के साथ जाएंगे, लेकिन अगर इसी में अगर जोड़ देता है कि आप आधुनिक आवर सारणी के बारे में बताएं या मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में बताएं, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके मोस्ले हो जाएंगे, ठीक है। और मोस्ले ने ही जो है आपका एटॉमिक नंबर का खोज भी किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्विवित्री मेंडलीव ने 1869 में, ध्यान रखिएगा 1869 में जो है कि आवर सारणी की खोज करी थी। न्यूक्लियर की बात कर लें दोस्तों, तो रदरफोर्ड, नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूक्लियर की खोज किसने करी है, तो वो रदरफोर्ड ने करी। वहीं पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी, तो ये करी है कार्ल एंडरसन ने। तो ये दोस्तों हो गया जो कि रेगुलर हम डिस्कवरीज और इन्वेंशन प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो है कार्बनिक अम्ल पे यानी ऑर्गेनिक एसिड्स पे, जिसमें फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बनिक अम्ल होते क्या है, तो बेसिकली कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक जब कार्बोक्सिलिक समूह COS से जुड़ जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल बन जाता है। देखिए आपको पूछा जाता है जो कार्बनिक अम्ल कहलाता है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। मेन आपका जो कंटेंट है वो ये है कि फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड कहाँ होता है आपका, तो मधुमक्खी के डंक में, चींटियों के काटने से, या फिर आपका जो स्कॉर्पियन होता है, ठीक है, बिच्छू जो होता है उसके डंक में भी आपका कौन सा पाया जाता है, तो फॉर्मिक भी जो फॉर्मिक एसिड है यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मधुमक्खी के डंक में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, या चिट्टियों के काटने से आपको कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। कई बार पूछा दोस्तों, मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है, तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं रेगुलर ऐसी वीडियोज़ आपको आपके जो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिएगा एसिटिक एसिड, तो फलों के रसों में, सिरके में, ठीक है, आपका पाया जाता है, फलों के रसों में पाया जाता है और सिरके में भी पाया जाता है यानी विनेगर में पाया जाता है। सिरके में 4 से लेकर 8% तक, ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल आपका सिरके में 4 से लेकर 8% तक पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। वहीं लैक्टिक एसिड की बात करें तो दूध में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है। वहीं साइट्रिक एसिड की बात कर लें तो साइट्रिक एसिड खास करके आपका साइट्रस फ्रूट्स में यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये भी टर्म आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल, तो देखिए सारेल का पेड़ में पाया जाता है, सारेल के पेड़ में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इन सारेल टी फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड का, और स्याही के धब्बे हटाने में भी, ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड का यानी ऑक्जेलिक अम्ल का स्याही के धब्बे हटाने में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। वहीं टार्टरिक अम्ल की बात कर लें तो इमली में, अंगूर में, बेकिंग पाउडर में किसका यूज़ होता है, तो वो टार्टरिक एसिड का होता है, टार्टरिक अम्ल का होता है, जो कि पूछा जाता है। वहीं बेंजोइक अम्ल की बात कर लें तो घास पत्रे में और मूत्र में पाया जाता है आपका कौन सा एसिड, तो बेंजोइक एसिड। किसके में पाया जाता है, तो घास हो गया, पत्ते में हो गया और मूत्र में यानी ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, और यूरिन में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बेंजोइक एसिड। वहीं इसका यूज़ क्या होता है, उपयोग क्या होता है, तो देखिए दवा बनाने में,
फलों के रसों को सुरक्षित रखने में और फूड प्रोसेसिंग में किसका उपयोग होता है, तो आपका बेंजोइक एसिड का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था ऑर्गेनिक एट सेल्स के बारे में। अब इन पे देखिए बेस्ड हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो जितने भी मैंने टेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक आप उनका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जरूर मिलाइए आपने जो पढ़ा है उस आंसर से। देखिए जब चींटियां काटती हैं तो अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द एंट बाइट्स व्हिच एसिड लिव्स इनसाइड, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो है आपका फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक एसिड जब चींटियां हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, ये काटते हैं तो कौन सा अम्ल पहुंचता है, तो फॉर्मिक अम्ल फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं एसिटिक अम्ल के बारे में मैंने बताया आपका फलों के रसों में हो गया, और उसके अलावा आप विनेगर में आपका कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। वहीं दूध में मैंने आपको लैक्टिक एसिड बताया, और साइट्रिक अम्ल जो है साइट्रिक एसिड में पाया जाता है, बेसिकली जो आपके खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्मिक अम्ल, जब चींटियां काटती हैं तो अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है, व्हाट कॉजेस टिंक्चर इन विनेगर। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि सिरके में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका सिरके में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरके में या फलों के रसों में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नींबू खट्टा किसके कारण से होता है, व्हाट कॉजेज लेमन सॉर। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए साइट्रस फ्रूट्स में, ध्यान रखिएगा साइट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका कि बेकिंग पाउडर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो टार्टरिक अम्ल का। ध्यान रखिएगा बेकिंग पाउडर के लिए हो गया आपका, इमली के हो गया आपका, अंगूर के लिए हो गया, इसके लिए हम कौन सा जो अम्ल का यूज़ करते हैं, किस एसिड का यूज़ करते हैं, तो वो है आपका टार्टरिक अम्ल। लिख लीजिएगा दोस्तों, ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक से दो नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म आपके हर एक शिफ्ट में बनाए जाते हैं, चाहे वो MTS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत है, सीधे आप क्या कहेंगे, ऑक्जैलिक एसिड में, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो स्याही के धब्बों को मिटाने की बात हो, चाहे वो सारे ट्री से पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो वो है आपका ऑक्जैलिक एसिड। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देखने को आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है कौन सा जो अम्ल है आपका, जो आपका फूड प्रोसेसिंग के हेतु प्रयुक्त होता है, तो एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फिर फलों के जो जूस है उनको सेफ रखने में, ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है दवा बनाने में, तो किसका यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है बेंजोइक एसिड का। और इसके स्रोत की बात कर लें तो घास हो गया, पत्ते हो गए, और आपका जो है यूरिन हो गया, उससे हमको बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होती है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और इसके यूजेस ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया फूड प्रोसेसिंग में, और उसके अलावा जो है आपका फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, विच एसिड इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस मिल्क। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो देखिए जो सही ऑप्शन है, यानी खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपयोग में होता है, तो वो होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका खट्टे दूध में, तो ठीक है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल जो है कि कौन सा अम्ल निकलता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में से एक अम्ल निकलता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, ठीक है, वो कौन सा अम्ल है। एंड एसिड इन इन बीइंग टर्न्स इनटू द कॉज ऑफ पेन एंड इरिटेशन, विच एसिड इज इट। तो देखिए ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल आपको जो है कि दे रखी हमारे थ्योरी सेशन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे मांगूंगा ताकि आपको याद रहे, और सारे ही टर्म ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो सारे ऑप्शंस के बारे में बता सकते हैं जैसा कि मैंने थ्योरी में लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर देंगे, और जो भी सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले सेशन में लूंगा। और ये रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेगी जो कि जनरल साइंस पे बेस्ड होगी, जिसमें मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उन पे बेस्ड MCQs क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, मैं यही कहूंगा कि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब करिए, ऐसे अच्छे कंटेंट आपको और रेगुलर कंटेंट आपको रेगुलर मिलते हैं, करंट अफेयर की वीडियोस मिलती हैं आपको, बहुत सारी डिटेल्स मिलती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ठीक है। और बने रहें ऐसे ही, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेसन में।